प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। भजन संगीता पांचवा अध्याय उसकी पहली आयत। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। विमर्शन और उंगली उठाने का दर्द और हृदय को चोट पहुंचाना कभी भी किसी दवाई से यह ठीक नहीं हो सकता। सोच के बोले गए शब्द और बिना सोचे बोले गए शब्द भाईचारे को खत्म और बना भी सकते हैं। शब्दों से अच्छा बोल के प्रवृत्ति से अपमानित करना यह कपटता की निशानी है। गलतफहमी की दीवार खड़ी करके हृदय को संघर्ष रहित बनाने वाले, मन को छिपा के मुंह फेर के चलना ज्यादा संगीन तकलीफ का कारण बनते हैं। हम बात करके एक बार हंस के दिखा के दूर होने वाला विषय, हम दुखी होके उसको जहर बना के लेके घूमने वाले खुद को और दूसरों को देखे तो वह अच्छा है। स्नेह के धागे के साथ बांध के रखे गए परिवारों में खुशी और आनंद बिछा के रखा गया, उधर परदेसा का अनुभव होगा। उधर लोग एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत जरूर करेंगे। जहाँ पे ये नहीं होगा वहाँ शमशान की चुप्पी और आंखों ही आंखों से घूरने की स्थिति होगी। जब अंदर कोप की लहरें उठेंगी तो चोट पहुंचाने वाले वाक्य बाहर निकलेंगे, और जब मन में आनंद होगा तब वह मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे। बात करने की क्षमता परमेश्वर के द्वारा देने के बाद भी आपस में बात ना करने वालों को आज यह समझना है कि कितने ही लोग बोल नहीं पाने के कारण इशारों ही इशारों में बात करते हैं। ऐसा हमें इस बात को नहीं भूलना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हमारी जुबान से आपकी आराधना करने में, आपकी स्तुति करने के साथ ही हमारे भाइयों को हमारी जुबान के द्वारा दर्द ना होने पाए, इसके लिए हम आपसे मदद मांगते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से मुक्ति है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु ने मुझे उधार दिया। यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से।